हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज वापस मैं आपके सामने पीसी ज्वेलर्स के व्यूवर लेके आया हूँ कि पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड आज क्या दिखाया, 12-11 तारीख को, 12 नवंबर को क्या पोजी दिखाया है और आगे क्या रहेगा, ये मंगलवार को क्या रहेगा, आगे की पोजीशन 13 को क्या करेगा। मैं आपको इसलिए डेली अपडेट दिया करता हूँ कि अगर आपको कल में बताया था, जैसे बहुत लोग तो कल बोल रहे थे 300 चला जाएगा, 500 चला जाएगा, अगर जाना रहता तो आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, जब टाइटन इतना अच्छा वॉल्यूम और परसेंटेज गेन दिखाया था तो इसको भी दिखाना चाहिए था, इसने दिखाया नहीं। दो इसका रिजल्ट वेडनेसडे को है, 14 तारीख को है, फिर भी इसने कोई गेन नहीं दिखाया। और आप देखेंगे तो शुरुआत में तो इसने 5% का गेन दिखाया, ये ओपन तो 91.80 पे हुआ लेकिन 96.50 का हाई लगाया, तो ओपन वापस 96.50 की ओर गया, ऊपर की ओर गया, बट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस इसको 100 पे आ रहा था, तो इसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। मैं आपको सिंपल सा बता दूँ तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अब बना दिया है इसने 95 का, जो आज का हाई है ना 96.50, यही इसका नाउ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो जाएगा। 96.550 रखिए या 100 रखिए, इसको क्रॉस करता है तो ये 196 रखिए और 106 रखिए आप, तो अब दो इसका रेसिस्टेंस लेवल हो गया है। और अब सपोर्ट लेवल जो है, आप देखेंगे चार्ट पे ही खुद सपोर्ट लेवल बना दिया है। आज अगर देखेंगे तो अब जब मूविंग एवरेज 13 डेज का देखेंगे तो आप देखेंगे इसको कहीं नहीं तोड़ रहा था ये। अब देखिए ये लाइन को देखिए आप, जो भी इसने बॉटम फॉल किया लेकिन इस लाइन को नहीं तोड़ रहा था, तो इस लाइन इससे क्या पता चल रहा है कि अब इसकी जो सपोर्ट है यहाँ पे, अभी तो जो दिख रहा है 83.45 के आसपास का दिख रहा है, तो यहाँ पे जो आपका लो है 83.45, तो आप मान के चलिए कि इसका जो सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट है वो 81-82 के आसपास, 81 मान लीजिए, 81 के पास सपोर्ट है। अगर किसी को कोई भी पोजीशन बनानी हो, आज की क्लोजिंग इसने कहाँ पे दिया है, आज की क्लोजिंग देखेंगे तो आज इसकी क्लोजिंग इसने 90 रुपये पे दी है, तो आगे किसी को कोई पोजीशन बनानी हो तो इसका सपोर्ट जो है 80 का है, रेसिस्टेंस आपको बता दिया 96 जो आज का हाई था, और 96 के बाद वापस आपको देखने को मिलेगा, वो वापस आपको वहाँ पे 106 के आसपास देखने को मिलेगा, तो ये इसका रेसिस्टेंस है। ये कोई भी लंबा क्रॉसओवर करने को नहीं जा रहा, मुझे कोई इसमें ये नहीं है कि कोई लंबा क्रॉसओवर ये करेगा, मुझे अपना पर्सनली अभी टाइम पिक नहीं, जब तक इसके डिलीवरी पोजीशन में, अभी भी देखिए सेंटीमीटर में यहाँ पे बाय है, आज देखेंगे तो आप ब्लॉक डील हुआ है इसमें 9,93,000 का 88.05 रुपीज़ पे ब्लॉक डील हुआ है। अब जिसने भी लिया होगा इसमें उसको बाद में 88 पे लेकर के 96 पे बेच दिया होगा, तो कोई बात नहीं, ब्लॉक डील होने दीजिए, 9.50 को ही हो गया था मॉर्निंग में, तो बाइंग करके वहाँ से ऊपर साइड ले गया। अब इसने क्या किया होगा, इसने ऊपर साइड ले जाने में सपोर्ट दिया होगा और वहाँ से नीचे साइड में बेच दिया होगा। अभी भी देखेंगे डिलीवरी परसेंटेज जो इसका दिखा रहा है अभी 6.02% का दिखा रहा है, तो कोई भी इसमें कोई अभी भी बाइंग मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, आपको समझ में आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर लगता है कि इसमें बाय करके पोजिशन बनाना है, आपको 2, 4, 5, 6 रुपये 10 रुपये का अगर आपको लगता है कि इससे पोजीशन बनाना चाहिए, तो आप जैसा बताया आपको यहाँ पे चार्ट में, जो खुद बताया आपको कि 83, तो आप 80 का सपोर्ट ले लीजिए, 81 या 80, आपको जो आपको लगता है जितना आप रिस्क ले सकते हैं, 83 से है, 83 का रिस्क बनाइए, 81 का बनाइए, 80 का बनाइए, आपको जो सपोर्ट चाहिए आप उसको देखिए। अगर 80 का सपोर्ट तोड़ता है, वापस 80 का सपोर्ट तोड़ता है, तो वापस वो 76 जहाँ लिया था वहाँ चला जाएगा, तो पहला सपोर्ट लेवल आपका 80 है, दूसरा है 76 और फिर आपको जो है 69-70 जो आपको बताया था वो है। ये तीन सपोर्ट लेवल है आपके लिए, और जो रेसिस्टेंस लेवल है जैसा कि आपको बताया है, आपको 96, 106, 120, ये आपका जो हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस लेवल। अब लास्ट आवर में एक्चुअली मैं आवरली में इसको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लास्ट मिनट्स में क्या किया। लास्ट मिनट में आप देखेंगे ना तो आप देखिए कैसे ये क्रॉस ओवर कर रहा है, ग्रीन लाइन नीचे की ओर जा रही है लास्ट 30 मिनट में। देखिए अगर मैं इसको लास्ट आपको 15 मिनट में दिखाऊं, वो आप देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा ये अब रेड लाइन ऊपर आ चुकी है, ग्रीन लाइन नीचे जा चुका है लास्ट 15 मिनट्स पे, और अगर लास्ट मैं 10 मिनट्स पे दिखाऊं तो और रेड लाइन ऊपर जा चुकी है, मतलब और शॉर्ट हो रहा है, और यहाँ देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सिग्नल भी जनरेट हो गया सेल का, तो लास्ट मिनट में इसमें सेल का सिग्नल था, तो सिग्नल जो है सेल का है, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग लोगों को उठाकर फंसाना है, गिराना है, गिराना उठाना है, तो आप उसके लिए जैसा कि मैंने आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल दे दिया, आप उस सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल पे लेकर के इसका पोजीशन बना सकते हैं। मैं आपको एक दूसरे का चार्ट दिखाता हूँ जहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट है। आप देखिए टाइटन का मैं आपको सिग्नल दिखा रहा हूँ,
अब इसको आवरली चार्ट पे इसको एक बार देखते हैं कि क्या सिग्नल दिखा रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्या बाइंग सिग्नल, कितना सॉलिड बाइंग सिग्नल दिया हुआ है। और इसको अब जो टाइटन यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से जो 855 का इसने सपोर्ट तोड़ के आगे निकला है, ये सॉरी ये जो यहाँ पे 891 का सपोर्ट जो तोड़ के निकला है, तो इसने लंबे दायरे की ओर छलांग मारने की कोशिश की है। और अब जो इसका सपोर्ट रहेगा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक मिनट रुकिए आपको बताता हूँ। तो अब जो इस सपोर्ट को तोड़ा है, तो अब 923 इसका रेसिस्टेंस लेवल है, 924 923 के आसपास। अब बहुत अच्छी तरह से इसने यहाँ पे 881 को क्रॉस किया हुआ है, और यहाँ से क्रॉस करके अपसाइड लिया और बाइंग सिग्नल है। तो टाइटन में बाइंग सिग्नल जनरेट है, समझिए टाइटन जैसी इंडस्ट्री जो अच्छा अच्छा खासा IL-FS को लोन दिया था, MACD लाइट को देखिए कैसे क्रॉस ओवर कर रहा है, लास्ट मिनट आवर में आप देखिए क्या वॉल्यूम बनाया आज। ये सारी चीज़ मुझे PC ज्वेलर्स में कहीं देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं PC ज्वेलर्स के इसके डेली चार्ट को जाकर के देखता हूँ, तो वॉल्यूम भी आप कहीं नदारा था, रेड सिग्नल बनता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ MACD एक दूसरे की लाइन को क्रॉस करते हुए देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड ली है, अपसाइड लिया लेकिन एकदम सटे हुए, यहाँ पे कहीं पे भी एकदम सॉलिड ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो अगर ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है तो मैं बाइंग कैसे रिकमेंड चार्ट पे कर सकता हूँ? इसलिए मैं आपको कोई रिकमेंडेशन बाइंग का इसमें अभी भी नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है ये कहीं चला जाए, हो सकता है जितना जाना हो चला जाए, लेकिन जब तक चार्ट पे इसका अच्छा पैटर्न नहीं बनते हुए दिखे, तो यहाँ पे सिग्नल देना बताना कि ये क्या बढ़ने को तैयार है, ये थोड़ा सा बेमानी होगा। तो इसलिए मैं अभी भी इस पर बाइंग का रिकमेंडेशन अभी भी नहीं दे रहा हूँ। हाँ, अगर आपको सपोर्ट और 4-5 रुपये का जैसे आज 5% कम है वैसा पोजीशन बनाना है, तो कल भी ये दिखा सकता है। हो सकता है कल वापस ये ऐसा ही 5% का दिखाए, और वापस जैसे बताया आपको 96 अब क्रॉस करना है इसको, तो 90 से 96 जाकर के एक बार ट्राई कर सकते हैं। वापस ये 90.45 है, तो वापस आपको लगता है 96, तो हो सकता है चला जाए। मैं इसकी कोई सियोरिटी नहीं देता, क्योंकि ट्रेडर क्या लुक खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, और आप देखेंगे ट्रेडर का पोजिशन कैसे बना रहा है ट्रेडर। और अगर आपको देखेंगे तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से भी एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि वॉल्यूम जो क्लोजिंग दिया है इसने, अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के अनुसार होना चाहिए था, तो इसको 91.96 से ऊपर होनी चाहिए थी क्लोजिंग। तो वेटेड एवरेज प्राइस की जो वॉल्यूम है उससे भी लोअर 90.45 का क्लोजिंग दे रहा है ये। तो इस एवरेज वेटेड वॉल्यूम से भी लोअर प्राइस की क्लोजिंग दे रहा है। अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूँ, यहाँ पे आप देखिए जो एवरेज का ये सिग्नल जो बना है, मिड सिग्नल, मिड सिग्नल से कितना नीचे क्रॉसिंग दिया है। अगर ये 92 93 के ऊपर भी देता ना, तो एक लगता है कि चलो कल एक बार हो सकता है वापस 108 110 को ट्राई करेगा। तो मुझे कहीं पे इसमें पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिखता है। फिर भी आपको जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल दिया है, उससे आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट को अपने को डिस्कस करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके आप चाहें तो उसमें पोजिशन बना सकते हैं। लेकिन आपको स्पेशली सपोर्ट और जो आपको रेसिस्टेंस दिया है, स्टॉप लॉस लेके ही खेलना। अगर आपको बहुत शौक है इसमें खेलने का, तो आप इसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल लेके ही खेलना, अदरवाइज यहाँ पे आप फंस जाएंगे, अच्छा खासा फंसेंगे। टूटेगा तो 10 रुपये भी तोड़ सकता है। आज देख रहे हैं 1.47, ये अपनी चाल नहीं चला है आज, ये एक्चुअल में ये 1.1% अगर आप देखें। हाँ, चीज़ और चीज़ बताता हूँ, लो से अगर इसके गेन का अगर गेन देखिए आप, लो से गेन, तो आप ये देखिए अगर लो से गया तो 86 के लो को, अगर मैं देखो 86 का लो बनाया और हाई बनाया है 96 का, वहां से देखिए तो आपको 10.73 का गेन दिया है। और अगर आपको ओपनिंग लास्ट के क्लोजिंग जो थी 91.80 और हाई क्या है 96, तो वहां से सिर्फ 5% का गेन दिया है। तो गेन तो इसने दिया है आज, आप ये नहीं कह सकते कि गेन नहीं दिया। अगर किसी ने भी कल भी पोजीशन बनाया होगा, जो लोग मुझे फोन किए थे कि 84-85 पे पोजीशन बनाया था, आज भी उनको मौका होगा 96 पे निकलने का, तो आज भी उन्होंने 5% कमाया होगा। और जो कल नहीं बना पाए होंगे और आज भी लोग 86, 87, 88 पे बनाए होंगे, तो भी वो 7-8% का गेन का ही किए होंगे। तो ये आज आज तो गेन दे दिया, लेकिन कल देगा क्या, ये इसकी गारंटी नहीं है। और अगर लेना है आपको, बहुत रिस्क लेने का शौक है, तो आप बने ना 95 रुपये का रिस्क लेना, आपको नीचे आप 83-84 का 80 का रिस्क लीजिए, 10 रुपये का हो जाएगा आपका। और कम लेना है तो 83 का लीजिए, जो आज का लो बनाया था, ये चार्ट पे जो आपको आज यहाँ का दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है 83.45, जो इसको नहीं क्रॉस कर पाया ये आज दिन भर, तो आप इसका भी लेके बना सकते हैं। आपको लगता है कि ये भी क्रॉस हो, शायद एक बार कल टेस्ट कर दे, तो 80 का लो लेकर के कीजिए। तो आप 10 रुपये का मार्जिन पे अगर लेकर के आप रिस्क लेने के हैं, आप कर सकते हैं, तो आप कल इसमें पोजिशन में 5-6 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये के और दे सकते हैं। या आप अगर बहुत ही लगता है कि नहीं इसमें पॉजिटिव रिजल्ट है और आपको नॉलेज है, इसको मालूम है कि ये बूम मार्केट जाने वाला है, 120-140 क्रॉस करने वाला है, तो आप 80 रुपीज़ का
सपोर्ट लॉस लेते हुए आप स्टॉप लॉस लेते हुए आप इस पे पोजीशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद बना सकते हैं। ये सारा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ, लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करेंगे, ये मेरा डिस्क्लेमर है। फिर से मैं बता दूँ कि आपका जो सपोर्ट है वो 80 का है, 80 का सपोर्ट टूटेगा तो वो 76 और फिर 70 जाएगा, और ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो आपको 96 और 106 और 120, ये आपका रेसिस्टेंस लेवल है। 120 क्रॉस करता है तो शायद ये एक बार वापस आपको 145-147 दिखा सकता है। तो ये मेरा अपना चार्ट पे जैसा बता रहा है वैसा बता रहा हूँ, लेकिन लास्ट मिनट लास्ट आवर पे आपको मैंने दिखा दिया वो सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, तो लास्ट आवर के बेसिस पे मैं जाऊँ। और टाइटन के इतने गेन के बावजूद अगर ये गेन नहीं देता है, अगर मैं टाइटन की बात करूँ तो टाइटन आज जिस तरह से भागा है, जबकि इसने ILFS को लोन दिया 250 करोड़ का, उसका प्रोविजन किया है टाइटन ने, उसके बावजूद टाइटन में अगर इतनी उछाल देखने को मिली है, और उसके बावजूद PC जोनस में कुछ देखने को नहीं मिला जो कि इसी ग्रुप की कंपनी बिलोंग करती है, तो एक बार टाइटन को लास्ट खाली जाते जाते देख लेते हैं, जिसमें कि पॉजिटिव सिग्नल जनरेट हुआ है। जैसा मैंने आपको सपोर्ट आप आज देखिए, ये इसी ग्रुप की कंपनी है टाइटन, और 47 रुपीज़ का आज गेन देता है, 5% का गेन देता है, 5% का परसेंटेज में कहे तो PC ज्वेलर्स ने भी 5% का गेन दिया है, बट रुपीज़ में ये ज़्यादा गेन दिया है। और वॉल्यूम भी देखिए, और इसकी डिलीवरी भी अगर आप देखना चाहें तो देखिए 28%, इसमें भी कोई खास डिलीवरी तो नहीं बन रही है, बिलो अगर 26-27% है तो मैं इसको अच्छी डिलीवरी नहीं मानता, तो आप इसको डिलीवरी बेस पर लेके अभी मत जाइए। हो सकता है टाइटन आपको भले अभी ऊपर ले जाए, लेकिन आपको ये नीचे वापस दिखा सकता है 850-840 वापस इसको नीचे, जो इसने लो अभी रिसेंटली बनाया था 732 का, तो हो सकता है आपको 800 अगर तोड़ता है तो वापस ये लोअर लो बना सकता है। ये टाइटन के लिए भी था। चलिए हम टाइटन की बात नहीं कर रहे थे, हम PC ज्वेलर्स की बात कर रहे थे। मैं आपको ये बता रहा था आज इतनी अच्छी ये न्यूज, इतना अच्छा सपोर्ट था इस सेक्टर को, और उसके बाद PC ज्वेलर्स ने परफॉर्म नहीं किया, तो भी ये एक वीकनेस का कारण बन हो मेरे को दिखता है। अब रिजल्ट तो कितना अच्छा आ जाए तो ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, आप पोजीशन बनाना है तो वो जो स्टॉप लॉस जो आपको बताया 80 का, आप अभी भी पोजीशन बना सकते हैं, 80 का स्टॉप लॉस लेके बनाइए। अगर आपको इतना शौक है तो PC लॉस में तो बनाइए आप, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा तभी बनाइएगा, नहीं तो फिर आपको लॉस होगा। कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ इन करना, वो तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं रनिंग मार्केट में। तो यही मैं बता रहा था कि PC ज्वेलर्स 90.45 पे क्लोज किया है, तो 80 का स्टॉप लॉस या 83 का स्टॉप लॉस लेकर के आप इसमें फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं। सेंटीमीटर बाइंग है, सेंटीमीटर में मैं हर दिन बोल रहा हूँ मत जाइए, डिलीवरी परसेंटेज वही 6% है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वापस ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। NSE पे ऑप्शन चेन डाटा का एनालिसिस कर लेते हैं एक बार, इसी के ऑप्शन चेन को अगर एनालिसिस करते हैं तो आप क्या देखेंगे, 90 के जो एट द मनी है, एट द मनी 90 का है, 90 के एट द मनी पे आप देखेंगे तो 115,000 का एडिशन हो रहा है, राइटिंग हो रहा है, और इधर कॉल में, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी, पुट साइड में टोटल देखेंगे तो 7,35,000 का वॉल्यूम है और 7,18,000 का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है, तो पुट साइड में ज़्यादा है। टोटलिटी में बात करें तो 80 लाख का अगर यहाँ पे है तो 96 लाख का यहाँ पे पुट में है, तो पुट की ओर ज़्यादा है, अभी भी वॉल्यूम पोजीशन जो बना है पुट की ओर ज़्यादा पोजीशन बन के खड़ा है। अगर उसके बाद में सपोर्ट की असिस्ट लेवल की बात करें, सपोर्ट असिस्टेंस की बात करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा 14,80,000 का 100 पे पोजीशन सबसे ज़्यादा बना हुआ है, और 90 पे 7,18,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो 90 तो चलिए एट द मनी है, तो इसके नीचे अगर आ जाएँ तो कहाँ पे मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा, तो 4 लाख का आपको 4 लाख के आसपास सबसे ज़्यादा 80 पे मिल रहा है, लेकिन अनवाइंडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे भी अनवाइंडिंग हो रहा है, अनवाइंडिंग होकर ये ऊपर की ओर आ रहा है, तो यहाँ से एक 90 की ओर एक सपोर्ट तो इसको दिखता है 90 के पास, जो कि आज इसने बना करके रखा है। तो आप 83-85 जैसा वहाँ चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे 83-85 आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप 85 या 83 जैसा 80 का सपोर्ट लेकर के वहाँ पे पोजीशन बनाइए, और आपको यहाँ पे और आपको यहाँ रेसिस्टेंस जो मिलने वाला है, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 14,83,000 आज भी एडिशन हुआ है, कॉल राइटिंग हुई है 100 पे, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसके बाद जो देखने को मिल रहा है 140 पे मिल रहा है आपको 8,86,000 का, और 120 पे मिल रहा है, 120 पे भी एडिशन हुआ है 90 लाख का, लेकिन सबसे ज़्यादा 140 पे 1,62,000 का,
तो आपको जैसे आपको बता रहा था यहाँ से बीच में कहीं पे भी ज्यादा कुछ नहीं है। आपको एक चीज बताऊं तो अगर ये 100 क्रॉस करता है ना, तो 100 क्रॉस करने के बाद इसको यहाँ पे 110 के आसपास थोड़ा सा रेसिस्टेंस है, तो आप 100 से 110 के बीच में भी अगर गेन, अगर आप छोटा छोटा गेन लेना चाहते हैं तो 100 के बाद 110 है, 110 के बाद सीधा मेरे को लगता है यहाँ पे 120 पे आ जाएगा, और 120 के बाद 140 पे आ जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो 14 लाख का, 6 लाख का, 10 लाख का, 8 लाख का, ये यहीं पे है। और उसके नीचे देखेंगे तो लेटेस्ट 180 का है। किसी भी हालत में ये 180, मुझे नहीं लगता है कि 180 ये क्रॉस करेगा अभी किसी भी रीजन से, ये क्रॉस करना चाहिए। नीचे तो अनवाइंड हो रहा है, तो नीचे भी मतलब अब 220 के ऊपर तो जाना ही नहीं है, 300 400 तो आप भुला जाइए, जाएगा ही नहीं। और 260 280 पे तो कोई पोजिशन ही नहीं बन रही है, तो ये इधर इतना नीचे नहीं जाएगा। और अब जो पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में 50 में एडिशन हो रहा है, 60 में एडिशन हो रहा, कॉल राइटिंग हो रहा है, और 65 70 से अभी हट रहा है, 70 से कॉल राइटिंग हट रहा है। तो मतलब 70 हो सकता है कि अभी नहीं जाए, और 85 पे यहाँ पे एडिशन हो रहा है पुट पे। तो अब जो सपोर्ट बन रहा है आपको जैसे मैं बता रहा था, तो आप देखेंगे सपोर्ट 85 पे बन रहा है, तो 83 इसलिए वो क्रॉस नहीं कर रहा था। आप देखेंगे तो 83 वो क्रॉस नहीं कर रहा था, तो इसीलिए वो आपको जो चार्ट में दिखाया था ना आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए वापस चार्ट में आपको दिखाता हूँ, वो चार्ट निकल गया शायद, वो चार्ट हट गया, वो नहीं है, सॉरी है। आप देखेंगे इस लेवल को देखिए, 13 डेज का जो डेमा है ना, यहाँ नहीं क्रॉस कर रहा है, तो 83.45 जो है ना इसको क्रॉस नहीं कर रहा था। और वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा जो एडिशन हो रहा है 1,20,000 शेयर का, 3,96,000 पे हो रहा है। तो 85 पे आपको यहाँ सपोर्ट दे रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन चेन, अगर आप ऑप्शन बाय करना है पुट का तब तो ठीक दिख रहा है, चार्ट पे वहां पे क्या 83 थी, यहाँ पे है नहीं, 80 के बाद सीधा 85 है, तो इसलिए चार्ट पे और इसमें ये अंतर हो जाता है। तो आप 83 की जगह ये 85 बता रहा है, तो यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है, उस 83.45 को यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो आप अच्छे से समझिए कि जो ऑप्शन चेन बोल रहा है वही चार्ट बोल रहा है, 3 पॉइंट इसमें नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा है। और उसके बाद 90 पे आप देखेंगे तो 7,35,000 का, तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो 50 पे 14 लाख का, 40 40 से नीचे तो किसी कंडीशन पे नहीं जाएगा अभी, 12 लाख का है। उसके बाद 50 लाख का, 50 पे 14 लाख का है, और 70 पे 12 लाख का है, तो 70 ही नीचे अभी नहीं जाएगा, जो सब 70 है ना बहुत नीचे, जो 70 ही तोड़ना इस महीने में थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लग रहा है, तो 70 जाएगा नहीं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 70 से लेकर के जो वो 120 140 तक खेलेगा, तो 70 से 140 का रेंज बना हुआ है, खेलने दीजिए, खेलते रहेगा, अभी तो यही पोजीशन बन रहा है। और इसमें कोई भी ऐसा पॉजिटिवनेस नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है। और ऐसे भी अब फेस्टिवल सीजन खत्म हो रहा है, जो जैसा टाइटन का रिजल्ट आया है, कोई खास ग्रोथ टाइटन में नहीं देखने को मिली है, मार्जिन भी में भी कोई बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड नहीं देखने को मिला है। इसका मतलब है हो सकता है कि ये दबाव आपको पीसी ज्वेलर्स के रिजल्ट पे भी देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो एक तो निगेटिव है ही, और रिजल्ट पे प्रेशर दिखा तो और निगेटिव हो जाएगा, तो भी 70 का लेवल अभी थोड़ा सपोर्ट है, तो 70 तक का सपोर्ट तो मिल ही जाएगा। बस इतना सा ऑब्जर्वेशन था आपके लिए, जो भी मैंने बताया आपको, अगर कहीं भी कोई पोजिशन बनानी है तो रिक्वेस्ट है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, अदरवाइज पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग करना है तो 70 का पुट लेकर के आप एक बार पुट और कॉल में जाना चाहते हैं तो मैं तो ऐट द मनी की बात करता हूँ, कभी भी लेना चाहिए तो ऐट द मनी, तो 90 का मैं रेफर करूंगा कि अगर आपको 90 का पुट है तो उसको लीजिए, या 90 के कॉल और पुट दोनों को लेके बैठिए। लेकिन चूंकि अब 12 तारीख हो चुका है, तो अब ये टाइम ओवर, अब टाइम कंज्यूमिंग टाइम है, तो अब इसमें पोजिशन बनाना कॉल पुट में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। फिर भी 90 के पुट को लेकर के आप एक बार चाहें तो बना सकते हैं, 1500 का है, 10 रुपये का रेट है, तो 15,000 का इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है पुट की ओर देखिए आप क्या कमा लेते हैं, तो अगर नीचे जाता तो इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो आपको ये एट द मनी 90 का लेकर के आप पोजिशन पे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत।